Hi students, welcome to my channel in Big Education. So previous video में हमने बहुत कुछ देखा था and now we are continuing to our next topic. It's National Policy on Education 1986. According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher secondary education in keeping with the changing need of society. So इसमें policy था primary, secondary and higher education को change करने के लिए, means उनके जो भी system थे वो change करने को. Under this policy, a common core curriculum was framed for all states. The expectation is that by this mean all students in India will get equal educational opportunities. इस नेशनल पॉलिसी में क्या था, पॉलिसी के सारे जितने भी हायर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे रहेंगे उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए मिलनी चाहिए. There is scope in the national curriculum for individual states to bring in flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical need. And उनको उनके स्कोप के हिसाब से स्टडी स्टडी के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे. द प्राइमरी सर्क्यूकुलम 1988 वॉज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन एट द नेशनल लेवल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. Use of satellite. In 1975, the India met with the success in its attempt to use a satellite for the purpose of education. India ने success पाया था 1975 में अपने satellite के launch पे. Eknath Chintins, a scientist with AROS, played an important role in it. जिसमें Eknath करके scientist थे, उनका बहुत important role था ISRO के satellite में. SITE Satellite Instructional Television Experiment was undertaken for educational purpose under the leadership of the Space Application Center at Ahmedabad. The concept of satellite education come out of this experiment. So इसके बाद ये experiment के बाद students को space से related भी education देना start कर दिया government ने. America had helped India in this program. America ने भी India को help किया था इस program में. The program helped to make provision for a good standard of education in rural areas. And ज़्यादातर rural areas में उनका education का system बहुत high किया था. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU. दिस ओपन यूनिवर्सिटी हैज़ वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव दैट द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन शुड मेक इट वे इनटू एवरी एवरेज हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री. द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 1970 एज एन इंटरनेशनल एजुकेशन डे. इंटरनेशनल एजुकेशन डे 1970 में डिक्लेयर किया गया था. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of open university by Government of India. Department of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting University Grants Commission, along with the UNESCO, the idea of establishing an open university involved in this seminar. So उस time पर बहुत सारे seminars भी किए गए थे and जिस seminar में India ने अपने इंडिया ने यूनेस्को करके सेमिनार को एस्टैब्लिश किया था हमारी यूनिवर्सिटी में. इन 1974 द गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी पार्थ सारथ्य एंड ओपन यूनिवर्सिटी टुक स्पेस ऑन 20 सितंबर 1985 इन अकॉर्डेंस विथ इट्स रिकमेंडेशन एंड सजेशंस. इट वॉज नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड उस यूनिवर्सिटी का लास्ट में नेम क्या पड़ गया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नेम से वो यूनिवर्सिटी आज जाना जाता है. दोज हु आर अनेबल टू गेट अ कॉलेज एजुकेशन इन द फॉर्मल वे आर गिवन कंसीक्वेंसेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एंड अदर कंडीशन फॉर एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी.
जो लोगों को बेसिकली एडुकेशन एडमिशन कहीं नहीं मिलती है उनको उनके एलिजिबिलिटी मीन्स उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी एज एंड जो एडमिशन के लिए कंडीशंस रहते हैं उनके बेसिस पे उनको एडमिशन मिल जाती है। एंड 1990 द IGNOU स्टार्टेड एन ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एडुकेशन प्रोग्राम थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। एंड IGNOU ने स्टार्ट किया था अपना ऑडियो विजुअल प्रोग्राम ताकि दूर के भी जो बच्चे रहते हैं वो भी उससे ट्रेन हो सके। इट कंडक्ट मोर देन 1000 सर्क्यूकला ऑफ वेरियस ब्रांचेस। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एडुकेशनल थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर इन द कंट्री एंड 41 सेंटर इन फॉरेन कंट्रीज। सो वो 58 सेंटर्स इन द कंट्री, उसके 58 सेंटर्स कंट्री में है एंड 41 फॉरेन कंट्रीज में है। Research Institute Science. In the post-independence period in 1950, the Council of Scientists and Industrial Research CSIR was established with the objective to promote scientific research in the country and to take the benefit of the research to all the people. Research began in field like physics, chemistry, pharmaceutical, food processing and mining. In order to that industry benefit from this research contract were signed with industrial institute that helped to reduce our import and save foreign currency. This institute also motivated fundamental research. The laboratories for the of the council also played an important role in the bringing back to the country student who had gone abroad for higher education. सो इस साइंस से रिलेटेड जितने भी एडुकेशन की फैसिलिटीज़ थी वो सारे बच्चों को देनी दिए जानी चाहिए थी ऐसा बताया गया था उस इंस्टीट्यूट में। एंड उसके बाद क्या था कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट में जाता है इंडिया का मनी बाहर एंड फॉरेन का जो हमारे पास करेंसी आता है वो इंडिया में ही सेव रहे। The achievement of the CSIR include making the ink used for making voters' fingers during elections, medicines for malaria, elephantiasis and tuberculosis, water purification technology, reduction in the time required for bamboo production. It also used DNA fingerprinting for the first time in India. सो बहुत सारे फील्ड्स में भी इंडिया ने ग्रोथ की थी साइंस के बहुत सारे फील्ड्स में। कंडक्टेड अ जेनेटिक स्टडी ऑफ द आदिवासीज ऑफ द अंडमान्स एंड प्रूव दैट दोज ट्राइब आर 60,000 ईयर ओल्ड एंड डेवलप्ड अ अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। It has also played an important role in the use of neem as a pesticide, use of turmeric for healing wounds, and in the case of the patents for varieties of rice. The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and made it available in 8 international languages. And जितने भी उसके digital encyclopedias थे Indian tradition में उसको इंडियन ट्रेडिशनल के लैंग्वेजेस में सब में अवेलेबल किया। नेक्स्ट मैथमेटिक्स। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस इन तमिलनाडु वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962। मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में क्या किया गया था उसको एस्टैब्लिश किया गया था। It encouraged the highest level of research in mathematics and वो highest level of research mathematics include करता था। Computers in 1969 we made the first indigenous computer named the ISIGU computer as this was achieved by the Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together. In 1974, Tata Consultancy Services TCS obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of the software industry in the India. Computer also helped to set up the speed of scientific research. Computer के help से हमारा work बहुत easily possible हो जाता है। In 1987, America refused to allow India to get a supercomputer. America ने India को refuse किया
that they get a supercomputer. The Rajiv Gandhi government decided to develop a supercomputer indigenously. In 1988, the central government established the Center for Development for Advanced Computing, CDA, in Pune, and in 1991. Then इंडिया ने क्या डिसाइड किया, CDCA एस्टैब्लिश करने को. एंड कहाँ पे वो एस्टैब्लिश हुआ, पुणे में 1991 में. द सेंटर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजया भटकर डेवलप द परम 8000 सुपर कंप्यूटर. एंड डॉक्टर विजया भटकर ने परम 8000 सुपर कंप्यूटर डेवलप किया. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, दिस इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड वैल्यूबल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंस. इट ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर गेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर. सो BARC में स्पेशली साइंस फील्ड के लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी, बिकॉज वो आगे जाके न्यूक्लियर रिएक्टर आइदर किसी साइंटिस्ट साइंस की फील्ड में जा सके. इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951. The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in the India and made the country's next. The engineering college at Powai, Chennai, Kanpur and New Delhi were converted into IITs. IITs IITs, the Soviet, Russian, American, Germany and the UNESCO all extended help to set up this institute. The IITs in India were given the status of DMIT University and B.Tech and M.Tech courses were started there. So IIT factor mein sector mein B.Tech and M.Tech courses start kiya gaya. Admission through entrance exams, nominal fees and reservation for students are the special feature of IIT institutes. In the decade from 1970 to 1980, a large number of IIT students began to leave from foreign countries, causing the brain drain crisis. However, this situation changed after 1990s. IIT was also established at Guwahati, Assam in 1994 and the रूरकी इन 2001. IIT इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे काम करते थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई, जैसे ब्रेन ड्रेन क्रिसिस, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई. बट उसके बाद 1994 में IIT इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया गुवाहाटी के आसाम में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एज हाई quality engineers are graduating from the IITs, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mount skilled managers. Harvard Business School in America helped to set up IIM Ahmedabad. Other IIMs has been set up at Kolkata, Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Indore and शिलंगाओ. फिर IIT सेंटर कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, गुजरात में, अहमदाबाद में. एंड उसके अदर सेक्टर्स भी थे, वो कहाँ कहाँ पे थे, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझीकोड़े, इंदौर एंड शिलोंग. National Institute of Design. This institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design. Course in basis design, graphic design, product design and visual communication was started in 1963-64. The work done by the institute
includes designing of the transuator ratio and calculator and the logos of India Airlines and the State Bank of India. Research Institute Medicine. In the post-independence in 1994, the Indian Council of the Medical Research ICMR was established for conducting research in the medical field. It was given the responsibility of cooperative with universities, medical colleges, governments and non-government research institutes and giving them guidance and financial support for research activities. 26 centers were started in different parts of the country for the research on various diseases. Their research has made it possible to control tuberculosis and leprosis. So medicine के field में भी बहुत सारे research किए गए, बहुत सारे diseases को कम करने के लिए, जिसमें से बहुत में कामयाबी भी मिली. एंड जिस disease में सबसे ज़्यादा control आया था वो था tuberculosis and leprosy. The All-Time Institute of Medical Science AIIMS was established to give future impetus to advanced education and research in medicine. It was given the responsibility of undergraduate and postgraduate courses in medicine. Colleges for undergraduate and postgraduate education is in most branches of medicine, good research facilities and well-equipped hospitals are the significant features of this institute. The institute also provides medical treatment to the common people at nominal rates. It has established special colleges for training in nursing and super specialty centers for treatment of disorder of heart, brain and eyes. For future development of the medical field, the Medical Council of India was restructured in 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for quality of medical education, its supervisions and inspiration. सो मेडिकल का बहुत सारा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स रहते थे उनको एम में भी ट्रेनिंग्स दी जाती थी. बिकॉज जो भी हमारे इंडिया में आइदर मोस्ट ऑफ कंट्रीज में डिसीज आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं दैट उनको सॉर्ट कर सके. द इंस्टीट्यूट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन वेरियस डिसीजेज, डेवलपिंग टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन. Cancer research. The Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer is the branch of the Tata Memorial Center. It functions as the National Center for Treatment, Research and Education in relation to cancer. Research Institute, Agriculture. In India, research in agriculture and began as early in 1905. The Indian Agricultural Research Institute was given the status of a university in 1958 and work began in departments such as development of agricultural sector research, well-equipped laboratories, soil science, agriculture science, economic, botany and other departments. Research also began on wheat, pulses, oilseeds, vegetable and many other problems. Its most significant achievement is the fundamental research. It is conducted on the method of taking multiple crops a year, which has been a great benefit to farmer. This institute maintains a library at its head office in Delhi, which is the biggest agricultural related library in the country. In the next chapter, we will study law related to the woman contribution and the role of the government with respect to other weaker section. So agricultural field mein kya tha na, agricultural field ka institute 1905 mein establish kiya gaya tha and isme bahut sare agriculture se related cheezon ki research ki jati thi, जिसमें एग्रीकल्चरल साइंस होते थे, इकोनॉमिक्स होते थे एंड उसके बाद वीट, एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल सबको लेकर रिसर्च की जाती थी. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वुमेन्स एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस सोसाइटी में क्या क्या थे. सो टिल देन बाय बाय.